गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी अभी मैं सो के उठी हूँ और मैंने मुंह हाथ धो लिया और ये हमारी प्लाटन आ रही है। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। ऊपर वाली छत पे जा रही हूँ, अम्मी कह रही है ऊपर से अंडे अगर हो तो वो उठा लेना और मुर्गों को खोल देना। और आज यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, बादल हो गए, शुक्र है खुदा का। हम लोग रात को इतनी गर्मी थी, पूरा पंखा जो है फुल स्पीड में चला के ऊपर कंबल लेके सोए हैं। और कंबल इसलिए भी लेना पड़ा क्योंकि ना वो क्या उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मच्छर पंखा इसलिए चलाया क्योंकि मच्छरों ने जो है ना तंग किया हुआ था। और ये मुर्गियाँ दिखाती, ये देखें अभी ये खाएंगे। और एक इधर बैठी है, अंडा तो कोई भी नहीं है मुझे लगता, मेरा चक्कर ही लग। मौसम बहुत अच्छा शुक्र है खुदा का हो गया। और बस अभी नीचे जाके नाश्ता करते हैं और फिर भाभी से पूछते हैं क्या चर्च का क्या सीन है, मतलब कि चर्च क्या सीन है, मतलब कि मतलब कि क्लास होनी है हम लोगों की या नहीं, क्योंकि वो मैसेज कर देते हैं ग्रुप में, तो जाके पूछते हैं उनसे मैसेज का। और अपने नाश्ते की जो है वो तैयारी करते हैं। नाश्ता मैंने रात आज खाना जो है मैंने नहीं बनाना इतना कोई, क्योंकि जो मैंने रात को ना वो आलू मूंगरे जो थे ना, अम्मी ने कल मूंगरे साफ़ कर दिए थे, तो मैंने रात को ही बर्थडे के बाद जो है ना वो बना दिए थे। क्योंकि अम्मी जो है, मैंने आपको बताया कि अम्मी जो है वो नाश्ते में जो है वो अंडा नहीं खाती हैं और चावल भी नहीं खा सकती हैं क्योंकि उनको शुगर है। शुगर तो वैसे भी उनकी कंट्रोल में है लेकिन वो सुबह नाश्ते में चावल नहीं खाती हैं, तो उसकी वजह से मैंने सालन बना दिया था, उन्होंने रोटी बना के खा लिया। तो अभी आज सालन का भी नहीं है, आई एम फ्री, सिर्फ रोटियाँ बनानी है, वो तो 10 मिनट लगते हैं। चलते हैं नीचे, नीचे जा के अपना नाश्ता करते हैं। मम्मी ने पराठा भी बनाओ पड़ा है पर वो खाने का दिल नहीं है, तो हम लेते हैं चावल गर्म करते हैं और साथ ही लेते हैं इनके चावल। मुझे जो ओवन वाले हैं वो नहीं, जो ओवन में गर्म होते ना बहुत पसंद चावल, तो मैं इनको करूँगी फ्राई पैन में गर्म, वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि मुझे अच्छे लगते हैं। तो फ्राई पैन पहले ढूंढ लेते हैं जल्दी जल्दी से। फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन, हियर आई एम। अब वो बोले हियर आई एम, हियर आई एम, वेयर इट इज, देयर, बोल दिया उसने कि मैं इधर कम। अभी हम जो अपने चावल है लेते हैं। कल मैंने पुलाव बहुत अच्छा बनाया था, हालांकि बड़ा को कम जो है इतना नहीं खाते, पर जो चावल थे ना बहुत अच्छे थे। चावल गर्म करते हैं साथ साथ, और फिर जो है हम अपना किचन जो है वो साफ़ कर लेते हैं। रात को जो बहन ने ना बर्तन सारे धो दिए थे, लेकिन अभी जो सुबह नाश्ते किए हैं सारों के वो मैं धो देती हूँ और देन आई एम, फिर मैंने रोटी बनानी है, देन आई एम फ्री की देर, और फिर मैं रोटियाँ बना के फिर मैं पढ़ती हूँ। और भाभी से मैंने पूछा क्लास का कोई मैसेज आया, वो कह रही है अभी तक नहीं आया, आ जाएगा, क्लास मिस नहीं करते। अभी हैं हम यहाँ पे रख लेते हैं इसको गर्म करने के लिए। गर्म करने के लिए पहले हमें चूल्हा जलाना पड़ेगा। हाँ जी, इसको हम रख के थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि मुझे ना ये जो नीचे लगे हुए होते हैं मतलब कि क्रिस्पी क्रिस्पी वो पसंद है, तो इधर से मैं निकाल लेती हूँ अपने लिए सब स्पैगेटीज, इनको भी मैं गर्म कर लेती हूँ। और बाहर मुझे लगता है उनको ला गए हैं दूध वाले, तो दूध के लिए रिच के निकाल लेते हैं पहले। एक तो आ गई हाथ में, दूसरी रेज की भी निकालते हैं और फिर चलते हैं बाहर। जब तक हमारे चावल भी गर्म हो जाएंगे और आगे हम स्पैगेटी जो है ओवन में गर्म कर लेंगे।
अब दूध लेने चलते हैं।